ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आपको अभी ये सब टर्म्स आने वाले हैं, इन सब टर्म का मतलब समझिए क्या होता है। ये सब टर्म्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोले जाएंगे, ठीक है। पहला टर्म है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए? वोलेटाइल का मतलब होता है कि उसके वेपर्स बनेंगे, आइडियली सभी के वेपर्स बनते हैं, तो कोई थोड़ा कम वोलेटाइल, कोई ज्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल आइडियल केस हो गया, जहां पे कोई वेपर नहीं बन रहा होगा, जैसे बालू, उसे कोई वेपर नहीं बन रहा होगा, ठीक है। पर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो सकता है, ना पता हो तो हल्का वो बनता होगा, पर वो टेंडेंसी बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है, हम लोग उसको नॉन वोलेटाइल ही बोले, ठीक है। तो वोलेटाइल मतलब होता है वो सब्सटेंसेस विच कैन फॉर्म, विच विल फॉर्म, विल फॉर्म वेपर। वेपर बनेगा तो ही वो वोलेटाइल कहलाएगा, यानी वेपर अगर होगा तो इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू टोटल प्रेशर, प्रेशर को वो चेंज करेगा, ये याद रखना। तो जब भी मैं प्रेशर बोल रहा हूं, मैं पी ए बोल रहा हूं, दैट इज द प्रेशर ऑफ ए, इसका मतलब सीधा है ये कि ए वोलेटाइल है, तभी इसकी बात हो रही है। अगर मैं पीए जीरो बोल दूं या बोलूं नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब यही है कि पीए इक्वल्स टू जीरो। जिसका वेपर बनेगा वही प्रेशर बनाएगा, एक्सर्ट करेगा, वही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहां पर अगर ए आपका वोलेटाइल है तो आपका पीए विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ वेपर बनेगा, वो वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही करेगा। इसके उलट नॉन वोलेटाइल जो कि आइडियल केस होता है, थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी हल्का फुल्का तो निकलते रहता है, तभी आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, अदरवाइज हो नहीं सकता, ठीक है। यहां पर नॉन वोलेटाइल की बात जब करेंगे, सॉलिड के फॉर्म में तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, तो ये क्या होगा, विच विल नॉट फॉर्म वेपर, नॉट फॉर्म वेपर। इसका मतलब अगर मैं इसको मान लो ए बोलता हूं नॉन वोलेटाइल है, तो अगर मैंने बोला पी ए, इसका मतलब सीधे आपको समझ जाना है, इस वर्ड को बोलते ही समझ जाना कि पी ए जीरो है, या मैं बोलू पी ए जीरो तो समझ जाना ये नॉन वोलेटाइल है। इसका कोई प्रेशर में, जो टोटल प्रेशर होगा उसमें इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बात समझा देता हूं, वोलेटिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसको कोरिलेट कर सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम चांसेस है कि वो वेपर में जाएगा, इसीलिए वोलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना। और एक सिंपल सा रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जाना ज्यादा का मतलब होता है वोलेटिलिटी कम होना, एंड वाइस वर्सा, बस में आ रहा है। तो जब भी मैं बोलूं इसे हाई वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो जो हेनरीज लॉ या राउल्ट लॉ की बात करना शुरू करेंगे, हेनरीज लॉ खासकर, तो पहला टर्म में बोलेंगे इट्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब जो सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होगा उसमें सॉल्यूट कुछ भी नहीं होगा, और सिर्फ सॉल्वेंट ही होना चाहिए, क्लियर। ये पहला टर्म आपको समझ में आना चाहिए। सेकेंड टर्म है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ये बातें सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात होनी जाएगी, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, सॉल्यूट क्या पानी में या जो सॉल्वेंट में डालने पे क्या टूटता है या नहीं टूटता है, वैसे का वैसे पड़ा रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करा जाएगा, इसका मतलब हो गया सॉल्यूट डिकम्पोजेस इनटू आयंस, इनटू आयंस इन द सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करता हूं, ये पानी मिलाता हूं, तो तुरंत पानी में जाते ही क्या हो जाएगा, Na प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आगे आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स
सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर पे मतलब अगर मैंने चीनी मिलाया 1 मोल या यूरिया मिला दिया 1 मोल, दोनों बहुत ही अलग चीज है, दोनों का जो प्रॉपर्टी पे जो चेंज आएगा दोनों सेम ही आएगा। अगर तुम कुछ भी मिला दो सॉल्यूशन में होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, प्रेसिपिटेट नहीं, उसका प्रॉपर्टी विल बी सेम। तो वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें 4 प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ने हैं, सेकेंड पार्ट में पूरा वही है ही है सॉल्यूशन चैप्टर। तो वो चारों की एक खास बात है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कौन सा पार्टिकल, जो डिजॉल्व फॉर्म में। अब तुम अगर 1 मोल NaCl डालते हो ये तुरंत 1 मोल ये मिल जाएगा और 1 मोल ये मिल जाएगा, तो पार्टिकल्स की संख्या अब 1 मोल नहीं रही, वो 2 मोल हो गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करेंगे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है अगर हम चीनी डालते हैं और नमक डालते हैं, पर 1 मोल चीनी और 1 मोल नमक में अगर बात करें तो जो डिफरेंस बढ़ा है वो नमक में डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल आ रहे होगा। समझ में आ रहा है? तो वो सब प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब वो सॉल्यूट टूटने वाला है। तो आप जो लिख रहे हो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने जो बोला 1 मोल 1 मोल नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें टूट गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम क्लोराइड होगा तो ये 1 मोल एक्चुअली में 1 मोल नहीं है, कितना है वो 3 मोल हो जाएगा। Ca2+ है प्लस 2Cl-, ये 3 मोल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब 1 मोल CaCl2 डालो या 3 मोल शुगर डालो, बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें और डिस्कस करेंगे जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आएंगे, लेकिन बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूट आपका टूटने वाला है या नहीं है, है। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल आर गोइंग टू चेंज। अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक बोलूं तो इसका मतलब आपने 1 मोल डाला है तो 1 ही मोल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा यहां पे समझ में आ गया, ये जितना नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या हो गया कि अगर आपका 1 मोल है तो 1 ही मोल रहेगा। ठीक है, इमिसिबल एंड मिसिबल, ये बात किया जाता है कि दो लिक्विड अगर मिला रहे हैं तो दोनों आपस में घुल जा रहा है या लेयर फॉर्म में बच जा रहा है। दो लिक्विड जैसे पानी और ऑयल मिलाएं तो लेयर फॉर्मेशन हो जाता है ना, एक लेयर दूसरे पे जो भी होगा वो बिकॉज डिजॉल्व नहीं हो रहा तो क्या होगा, लेयर फॉर्म बन जाएगा। तो अगर दो चीजें आपस में घुल जाती है, दे आर सॉल्युबल इन नेचर, इसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, एंड इफ दे आर नॉट सॉल्युबल दे विल फॉर्म डिफरेंट लेयर, जो हैवियर है डेंसिटी ज्यादा वो नीचे होगा, जो लाइटर वाला ऊपर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। समझ में आ रहा है? ये तीनों वर्ड्स का यूज होगा आगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स। ठीक है, देख लीजिए इसको, मिसिबल लिक्विड्स आर दोज विच आर सॉल्युबल इन ईच अदर, मिसिबल लिक्विड्स आर दोज विच आर सॉल्युबल इन ईच अदर, वेयर आर इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज वेयर आर इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज which do not dissolve in each other, which do not dissolve in each other and they tend to separate in each other and they tend to separate in different layers, वो दो अलग अलग layers में टूट जाएंगे। Clear? इन तीनों words एकदम समझ में आ गया कैसे हो रहा है? ओके, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ये तीनों याद हो जाएगा तो फिर आगे सॉल्यूट की जब हम लोग बात करेंगे तो क्लियर होना चाहिए ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड।